हेलो गाइस, वेलकम टू करियर स्पार्क। आज हम प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के टाइप और प्रोनाउन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे रमेश इज अ गुड बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। दूसरे वाक्य में रमेश की बात हो रही है, इसलिए ही रमेश के लिए आया है। सीता इज अ गुड डांसर, सी स्टडी इन कॉलेज। दूसरे वाक्य में सीता की ही बात हो रही है, इसलिए सीता के लिए सी का यूज किया गया है। आमतौर पे सेम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे रमेश इज अ गुड बॉय, रमेश इज माई स्टूडेंट। दूसरे वाक्य में भी रमेश की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ रमेश की जगह ही का यूज करेंगे। जनरली प्रोनाउन को 8 भागों में बांटा गया है, हम एक एक करके सबको डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के स्थान पर यूज किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वे प्रोनाउन होते हैं जिनसे बोलने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलता है। सेकंड पर्सन वे प्रोनाउन होते हैं जिनसे सुनने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलता है। थर्ड पर्सन वे प्रोनाउन होते हैं जिनसे उन व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में पता चलता है जिनके बारे में बात हो रही हो। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर, वी प्लूरल होता है। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट सिंगुलर होते हैं लेकिन दे प्लूरल होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, पोसेसिव केस माय, पोसेसिव प्रोनाउन माइन होता है। इसी तरह बाकी के प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के पोसेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के हम ऑब्जेक्टिव केस में सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। आमतौर पर एग्जाम में एक सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में सेकंड पर्सन को सबसे पहले, उसके बाद थर्ड पर्सन को और उसके बाद फर्स्ट पर्सन को यूज करते हैं, जैसे यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, यू एंड आई हैव डन अ ग्रेट जॉब। लेकिन जब सेंटेंस में दोष, भूल, अपराध की बात हो रही हो तो हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन को, उसके बाद थर्ड पर्सन को यूज करते हैं, जैसे आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, आई एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है इस बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और हमेशा बी वर्ब के बाद यूज किया जाता है, जैसे इट इज आई, आई नॉमिनेटिव केस में है इसलिए सेंटेंस सही है। इट इज मी कहना गलत होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इट इज ही नॉमिनेटिव केस में है इसलिए सेंटेंस सही है। इट इज हिम कहना गलत होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद, जीरंड के बाद, लेट के बाद, प्रीपोजिशन के बाद आता है। जीरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसे नाउन की तरह यूज किया जाता है, जैसे आई टीच देम, टीच एक वर्ब है, वर्ब के बाद देखो ऑब्जेक्टिव केस देम आया है। आई शुड लेट हिम इन, लेट के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आया है। हेल्पिंग हर गिव मी हैप्पीनेस, हेल्पिंग एक जीरंड है जिसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हर आया है, और गिव एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस मी आया है। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड आई, बिटवीन एक प्रीपोजिशन है जिसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए यू का ऑब्जेक्ट यू आया है, लेकिन यहाँ पे आई का यूज किया गया है जो कि गलत है। ये आई नॉमिनेटिव केस में है, हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस का। सही सेंटेंस होगा डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, मी एक ऑब्जेक्टिव केस है। जब एज एज या देन का यूज करके कंपैरिजन किया जाता है तो इनके बाद नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जा सकता है, लेकिन दोनों सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग होगा, जैसे फादर लव्स मी एज मच एज हर, यहाँ पर एज के बाद हर का यूज किया गया है, यानी ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है, जिसका मीनिंग होगा पिताजी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उसे करते हैं। अगले सेंटेंस में फादर लव्स मी एज मच एज सी, यहाँ एज के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज किया गया है, जिसका मीनिंग होगा पिताजी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि वह मुझसे करती है। इसी तरह देन का यूज किया जाता है, जैसे फादर लव्स मी मोर देन हर, फादर लव्स मी मोर देन सी। अगला है प्रोसेसिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन
जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं पोसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज कभी नहीं किया जाता है, लेकिन पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का यूज हमेशा होगा, जैसे आवर्स कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे। आवर्स पोसेसिव प्रोनाउन है, कॉलेज एक नाउन है। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज नहीं किया जाएगा, इसीलिए आवर्स का यूज करेंगे जो कि एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, जिसके बाद नाउन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह योर्स कार इज न्यू कार, योर्स एक पोसेसिव प्रोनाउन है, कार एक नाउन है, इसका यूज करना गलत होगा। यहाँ पे हम पोसेसिव एडजेक्टिव योर का यूज करेंगे जो कि सही होगा। पोसेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है, जैसे योर्स कार इज अ न्यू कार। योर्स यहाँ पे एक पोसेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब है योर कार इज अ न्यू कार, तुम्हारी कार एक नई कार है। ही लॉस्ट योर पेन एज वेल एज माइन। ही यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में यूज किया गया है सब्जेक्ट की तरह। लॉस्ट एक वर्ब है, माइन एक पोसेसिव प्रोनाउन है जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। योर प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम माइन। फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है जो अपने बात हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, इसलिए यहाँ माइन का यूज किया गया है जो कि पोसेसिव प्रोनाउन है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अपने आप को या स्वयं को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे माई सेल्फ राहुल, ये कहना गलत होगा। हम सिंपली कहेंगे माई नेम इज राहुल या आई एम राहुल। कुछ बार वह ऐसी होती हैं जो अपने बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती हैं जब उनके बाद किसी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है, जैसे प्रेजेंट, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, इंजॉय, अवेल। एग्जाम्पल के तौर पर राम एंड सीता एब्सेंटेड फ्रॉम द स्कूल। यहाँ फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, यहाँ पे स्कूल प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन एब्सेंट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा राम एंड सीता एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल। अगला है आई एंजॉय द पार्टी। एंजॉय एक वर्ब है जिसके बाद इसका ऑब्जेक्ट द पार्टी यूज किया गया है, इसलिए सेंटेंस सही है। अगले एग्जाम्पल में आई एंजॉय एट द पार्टी, यहाँ पार्टी प्रीपोजिशन एट का ऑब्जेक्ट है ना कि एंजॉय का, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस होगा आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, यहाँ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनके बाद कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, जैसे बात, वास, कुक, हाइट, ओपन। एग्जाम्पल के तौर पर ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द डोर, यहाँ हिड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज किया गया है जो कि गलत है। सही सेंटेंस होगा आई हिड बिहाइंड द डोर। इसी तरह आई कुक माई सेल्फ या माई सेल्फ का यूज करना गलत है। इसी तरह द डोर ओपन इट्सेल्फ का यूज करना भी गलत है। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट आउट या संकेतित करने के लिए यूज किए जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दीज पास की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दैट और दोज दूर की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं और दीज और दोज प्लुरल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज माई हाउस एंड दैट इज माई नेबर्स हाउस, यहाँ एक हाउस है इसलिए यहाँ दिस और दैट का यूज किया गया है। इसी तरह दीज आर माई टॉयज एंड दोज आर योर टॉयज, यहाँ खिलौने बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे दीज और दोज का यूज किया गया है। जब एक ही तरह के दो नाम की तुलना होती है तो सिंगल नाम के लिए दैट ऑफ और प्लूरल नाम के लिए दोज ऑफ का यूज किया जाता है, जैसे द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन आगरा, यहाँ जयपुर के क्लाइमेट की तुलना आगरा से की गई है, इसलिए सेंटेंस गलत है। हम जयपुर के क्लाइमेट की तुलना आगरा के क्लाइमेट से कर सकते हैं, जैसे द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा, लेकिन ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि क्लाइमेट एक नाउन है जो सेंटेंस में दो बार रिपीट हो गया है। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा, यहाँ दैट क्लाइमेट की जगह यूज हुआ है इसलिए ये सेंटेंस सही है। अगला सेंटेंस है द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई, यहाँ दिल्ली के रोडों की तुलना मुंबई से की गई है जो कि गलत है। सही सेंटेंस होगा द रोड्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, यहाँ दोज रोड्स के लिए आया है, रोड एक से ज्यादा है इसलिए बहुवचन का यूज किया गया है। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक संबंध दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ईच अदर, वन एनोदर। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है,
वन अनोदर दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में ऑफ देम आर टॉकिंग टू ईच अदर, यहाँ ईच अदर का यूज हुआ है जिससे पता चल गया कि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है। और ऑप्शन दिए गए हैं ऑल, बोथ, नाइदर, नन। नन दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ऑल भी दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नाइदर दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है लेकिन ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, यह हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा बचा बोथ जो कि दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, तो सही आंसर होगा हमारा बोथ। अगला सेंटेंस है द स्टूडेंट शुड हेल्प वन एनोदर, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे वन एनोदर का यूज किया गया है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से सिर्फ एक की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर। ईच दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, आइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई एक, और नाइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई भी नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद ऑफ का यूज किया जाए, ऑफ के बाद दा, दीज, दोज का यूज किया जाए तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन या नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी, जैसे ईच ऑफ द टू स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, यहाँ दो स्टूडेंट की बात हो रही है तो ईच का यूज कर सकते हैं और वर्ब सिंगुलर यूज की गई है, ये सेंटेंस सही है। अगले सेंटेंस में ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, यहाँ तीन व्यक्तियों की बात हो रही है तो ईच का यूज करना सही है। आइदर ऑफ दीज टू पेन इज रेड, यहाँ दो पेन की बात हो रही है तो आइदर का यूज करना सही है। आइदर ऑफ द थ्री गर्ल कैन डू दिस सम, यहाँ तीन लड़कियों की बात हो रही है लेकिन आइदर दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है इसलिए सेंटेंस गलत होगा। आइदर की जगह हम एनी का यूज करेंगे, जैसे एनी ऑफ थ्री गर्ल कैन डू दिस सम, एनी का यूज हम दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए करते हैं। नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज इंटेलिजेंट, यहाँ दो लड़कियों की बात हो रही है, नाइदर का यूज करना सही होगा। नाइदर ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, यहाँ पांच स्टूडेंट की बात हो रही है लेकिन नाइदर दो व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है इसलिए ये सेंटेंस गलत है, हम नाइदर की जगह नन का यूज करेंगे, जैसे नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ये सेंटेंस सही होगा। अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जिससे अनिश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, जब सम, नो, एवरी, एनी के बाद सफिक्स में वन या बॉडी का यूज करते हैं तो वे लिविंग थिंग के लिए यूज की जाती हैं, जैसे समवन, समबडी, नो वन, नो बडी, एनी वन, एनी बडी। जब हम सफिक्स में थिंग का यूज करेंगे तो वे नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज की जाती हैं, जैसे समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, और इनके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, जैसे नथिंग इज और आर इम्पोर्टेंट, नथिंग एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी ना कि प्लूरल। इसी तरह एवरीवन इज और आर एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, एवरीवन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन है इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी ना कि प्लूरल वर्ब। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे सेंटेंस से दिखाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे हु, whom, which, that। सबसे पहले हम हु और whom का यूज देखेंगे, हु और whom का यूज केवल ह्यूमन बींग के लिए करते हैं, हु का यूज सब्जेक्ट की तरह होता है और whom का यूज ऑब्जेक्ट की तरह होता है, जैसे आई मेट अ मैन, ही गेव मी अ बुक। हम इस सेंटेंस इस प्रकार भी लिख सकते हैं आई मेट अ मैन हु गेव मी अ बुक, हु मैन का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से दिखा रहा है। आई एक सब्जेक्ट है जिसके बाद वर्ब मेट का यूज किया गया है, हु भी एक सब्जेक्ट है जिसके बाद वर्ब गेव का यूज किया गया है। अगले सेंटेंस में द बॉय हु कम हेयर इज अ प्लेयर, बॉय एक सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब इज का यूज किया गया है, इसी तरह हु एक सब्जेक्ट है जिसके लिए वर्ब कम का यूज किया गया है। आई हैव अ सन हुम आई लव वेरी मच, इट इज आई हु इज और आर और एम योर कैप्टन, या हु आई का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से दिखा रहा है इसलिए आई के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, आई के अकॉर्डिंग वर्ब एम होगी, इज और आर गलत होगा। दैट लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है, लिविंग थिंग में ह्यूमन और एनिमल्स आते हैं, इसका भी यूज लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाता है लेकिन लिविंग थिंग में केवल एनिमल्स आते हैं, जैसे आई हैव अ डॉग दैट विच बार्क एट द नाइट, यानी दैट का भी यूज सही है और विच का भी यूज सही है। आई हैव अ डॉग दैट और विच इज ब्लैक इन कलर, यहाँ दैट और विच दोनों सही हैं। आई हैव अ कार दैट और विच इज वेरी ओल्ड, यहाँ दैट और विच दोनों ही सही हैं।
कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे किसी सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है तो उसमें दैट का यूज किया जाएगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, नन और ओनली के बाद हमेशा दैट का यूज किया जाता है। जैसे सचिन इज द बेस्ट प्लेयर दैट आई नो, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे दैट का यूज किया जाएगा। दिस इज द ओनली शर्ट दैट और विच आई हैव, यहाँ ओनली का यूज किया गया है इसलिए दैट का यूज किया जाएगा ना कि विच का। आई हैव नथिंग दैट विच आई कैन गिव यू, या नथिंग ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है इसलिए दैट का यूज किया जाएगा विच का नहीं। ऑल दैट और विच ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, यहाँ ऑल के बाद दैट का यूज किया जाता है ना कि विच का। अधिकार दिखाने के लिए हम हुज या ऑफ विच का यूज करते हैं। हुज का यूज लिविंग थिंग के लिए करते हैं, ऑफ विच का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन हुज निब, निब ऑफ विच इज मेड इन इंडिया, पेन एक निजी वस्तु है इसीलिए हुज का यूज नहीं होगा, ऑफ विच का यूज करेंगे। इसी तरह आई नो द बॉय हुज बैग ऑफ विच वॉज स्टोलन, यहाँ बॉय एक सजीव है यानी ह्यूमन बींग है इसलिए हुज का यूज होगा ना कि ऑफ विच का। लास्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हु आर प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, हुज इज दैट कार क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।